स्वागत है आप सबका अपने चैनल शेयर मार्केट रिपोर्ट में। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं IFL एंटरप्राइजेस लिमिटेड के बारे में, और साथ ही वीडियो में हम इस कंपनी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो आप सब इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें और कहीं पर भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप 108 करोड़ का है। कंपनी का करेंट शेयर प्राइस 1.45 रुपीस है और 52 वीक का इसका हाईएस्ट शेयर प्राइस 10.67 रुपीस है। अब बात कर लेते हैं कंपनी में शेयर होल्डिंग के बारे में। प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग कंपनी में 2.26% की है। प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग कंपनी में बहुत ही ज्यादा लो देखने को मिल रही है, और रिटेल एंड अदर की शेयर होल्डिंग कंपनी में 97.74% की है। बात कर लेते हैं कंपनी में फंडामेंटल्स के बारे में। इसका पीई रेशियो 72.81 है, और जो इस सेक्टर का पीई रेशियो है वो 148.13 है। पीवी रेशियो 1.44 है। आरओई 3.26% है। आरओसीई 4.40% है। कंपनी अपने निवेशकों को कोई डिविडेंड नहीं देती है। इसके अलावा कंपनी डेब्ट फ्री है। बात कर लेते हैं कंपनी में प्रॉफिट और लॉस के बारे में। बात करें इसकी ईयर वाइज रिपोर्ट के बारे में, तो 2023 में कंपनी को 0.51 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जबकि 2024 में कंपनी ने 1 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है। 2023 के कंपैरिजन में 2024 में कंपनी ने प्रॉफिट ज्यादा अर्न किया है। और अगर बात करें इसकी क्वार्टर वाइज रिपोर्ट के बारे में, तो जून 2023 में कंपनी को 0.35 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जबकि जून 2024 में कंपनी को 0.11 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। जून 2023 के कंपैरिजन में जून 2024 में कंपनी ने प्रॉफिट कम अर्न किया है। जान लेते हैं शेयर मार्केट में कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में। 2017 से अभी तक कंपनी ने अपने निवेशकों को 230% का रिटर्न दिया है। 5 साल में कंपनी ने 480% का रिटर्न दिया है। 1 साल में कंपनी ने -84% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में कंपनी ने -3% का रिटर्न दिया है, और 1 महीने में कंपनी ने अपने निवेशकों को 19% का रिटर्न दिया है। और अगर इस रिपोर्ट को हम ध्यान से देखें, तो 6 अप्रैल 2023 को लगभग 16 महीने पहले कंपनी का शेयर प्राइस 10.83 रुपीस तक पहुंच गया था, लेकिन अभी कंपनी का शेयर प्राइस 1.45 रुपीस है। तो आप सबने IFL एंटरप्राइजेस लिमिटेड से संबंधित आंकड़े देख लिए हैं। कंपनी में हमें सिर्फ 2 तरह की शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। कंपनी का पीई रेशियो लो है। कंपनी अपने निवेशकों को कोई डिविडेंड नहीं दे रही है। इसके अलावा कंपनी डेब्ट फ्री है। बात करें कंपनी में प्रॉफिट और लॉस के बारे में, तो कंपनी ने ईयर वाइज तो अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है, लेकिन क्वार्टर वाइज कंपनी का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें कंपनी ने अपने निवेशकों को कितना रिटर्न दिया है, तो इसमें काफी अप डाउन देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं कंपनी की इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। वो ये है कि कंपनी ने 1:150 के रेशियो में बोनस देने का अनाउंसमेंट किया है। यानी जिसके पास इस कंपनी के 150 शेयर होंगे, उनको 1 और एज ए बोनस मिल जाएगा, और उसके पास टोटल 151 शेयर हो जाएंगे, और इसकी रेट उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। इसका अनाउंसमेंट कंपनी ने 8 अगस्त 2024 को किया था, और जो इसकी रिकॉर्ड डेट है फिलहाल अभी कंपनी के द्वारा नहीं बताई गई है। जैसे ही इसकी रिकॉर्ड डेट आ जाएगी, हम अपने इंस्टाग्राम पेज पर अपडेट कर देंगे। हमारे इंस्टाग्राम पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।
तो आप सबको क्या लगता है, क्या कंपनी का शेयर प्राइस वापस 1.45 रुपीस से 10.83 रुपीस तक पहुंचेगा या फिर नहीं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले लें और खुद भी अच्छे से रिसर्च कर लें। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल शेयर मार्केट रिपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बहुत जल्दी मिलते हैं हम आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।